चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की, जिन्होंने साई स्पोर्ट्स एकेडमी का कायाकल्प का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि कांदिवली पूर्व स्थित साई स्पोर्ट्स एकेडमी 35 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का संकल्प लिया गया है। सांसद गोपाल शेट्टी ने यह संकल्प लिया है। गोपाल शेट्टी की यदि माने तो साई स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम बदलकर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स एकेडमी रखा गया है, जिसका अनावरण दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर किया जाएगा। सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा है कि 35 एकड़ में फैले इस भव्य स्पोर्ट्स एकेडमी का जल्द विस्तार के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस एकेडमी से 120 फीट चौड़ी रोड बनाई जाएगी, जो इसे हाईवे से जोड़ देगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स एकेडमी के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट की से अधिक ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। कांदिवली पूर्व साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो 35 एकड़ का भूखंड है, वहाँ पर इस भव्य भूखंड को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स एकेडमी करके नामकरण हुआ है। इसका हम 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर ये नामकरण का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ में हम आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे से 120 फुट का रोड बना रहे, जो अंदर जाएगा डायरेक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और अटल जी के एक भव्य प्रतिमा हम वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। आजू बाजू में सारा गार्डनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ आएगी उसको पार्किंग करने का एक बड़ा जगह उसका भी निर्माण कर रहे हैं। एक भव्य कॉम्प्लेक्स आने वाले दिनों में अटल जी के नाम से यहाँ पर हो, और जो हमारे स्पोर्ट्स से रुचि रखने वाले सब बच्चे हैं वो एक राष्ट्रीय विचार को लेकर स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाए। जब गोपी भाई ने मुझे ये पहली बार बताया कि इतने बड़े ये स्टेशन के सामने मेन हाईवे के ऊपर ये जो प्रतिमा बिठाई जा रही है अटल जी की, और उसके सामने एक भव्य द्वार खड़ा करना है, तो हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस ट्राई किए। तो पहले ऐसे सोचा कि हम लोग इसको थोड़ा एक जिसको हम लोग थोड़ा क्लासिकल स्टाइल बोलते हैं ऐसे करेंगे, फिर बाद में सोचा इसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनाते। तो फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ में हम लोगों ने सोचा इसको दिन के वक्त ये तो खूबसूरत दिखेगा ही, रात के वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो हमने इसमें टेंसाइल फैब्रिक, स्टील पाइप्स के ऊपर टेंसाइल फैब्रिक, जिसको हम लोग पॉलिस्टर और ग्लास फाइबर जिसको बोलते हैं, ऐसा हमने कवरिंग करके एक गेट बनाया। यहाँ इस क्षेत्र में चाहे दहिसर हो चाहे बोरोली हो, जितने भी ये मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट हो गए कहीं ना कहीं मेरे हाथों से हो गए हैं। चाहे दहिसर का छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हो, या कोई सावरकर उद्यान में सावरकर जी की प्रतिमा हो, या अभी अभी हम लोगों ने यहाँ एक आइलैंड भी बनाया है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से,